सर, प्रदेश में हाल के दिनों में वर्षा के दौरान बिजली गिरने के हादसों में बहुत से लोगों की जाने गई हैं, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें आपके विभाग के द्वारा गन्ना किसानों को विशेष तौर पर बचाव के लिए किस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए? देखिए, सामान्यतः ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा जो गन्ने की पिराई है वो जून 19 तारीख को समाप्त हो गई है और 1 मई से मतलब पिराई सहने समाप्त हो जाती है अप्रैल माह के 15 तारीख के बाद से जून माह तक, लेकिन 1 मई से हर वर्ष हमारा गन्ने का सर्वे का कार्य शुरू हो जाता है और सर्वे के कार्य में हमारा गन्ना किसान, हमारे गन्ने मिल के अधिकारी कर्मचारी और विभागीय अधिकारी कर्मचारी खेतों में और क्षेत्र में होते हैं। इधर हाल फिलहाल में जो बिजली गिरने से मौत हमने देखा आसपास के प्रांतों में और यूपी को मिला के, तो उसके मद्देनजर हमने इसकी टेक्नोलॉजी की तरह देखा, तो भारत सरकार का जो मंत्रालय अर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है, अर्थ साइंस, उनके द्वारा एक बहुत सुंदर ऐप बनाया है दामिनी, जो आपके गूगल प्ले स्टोर पे और आईफोन के ऐप स्टोर पे उपलब्ध है। अगर आप किसान और गन्ना कर्मचारी और हमारे गन्ना मिल के अधिकारी तीनों के तीनों, हमने उनसे कहा है कि क्योंकि सर्वे का काम 1 मई से शुरू होता है और ये 10 जुलाई तक चलेगा, मतलब आज कल में जाके खत्म होगा और इन्हीं दिनों बारिश भी होती है और ये बिजली गिरने की संभावना रहती है और उसमें प्राण घात होने के ये होता है, तो इसमें अगर ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपको एडवांस में अलर्ट कर देता है कुछ समय पहले, कुछ मिनटों घंटों पहले कि यहाँ पर बारिश हो सकती है और यहाँ पर बिजली गिर सकती है, तो वो एक रेंज बता देता है कि ये 2-4-5-10 किलोमीटर में बिजली गिरने की संभावना रहेगी, तो कृपया करके ऐसे समय आप अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। ये ऐप आपको इतना समय उपलब्ध करा देता है कि आप अपने सुरक्षित स्थान पर जा सके। और सर, ये जो ऐप है इसकी जानकारी तो लोगों के बीच हो ही और वो इसको डाउनलोड करें, इसके साथ साथ और किसी किस्म की सावधानियां बरतने के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है? इसमें क्योंकि सर्वे का काम चल रहा था तो इसलिए हमने उनसे ये कहा है कि जो हमारे तीनों हमारे किस्मत है, किसान और गन्ना अधिकारी और विभाग के और मिल के अधिकारी कर्मचारी, उनसे ये कहा गया कि उस वक्त आप खुले खेतों में न रहे या पेड़ों के नीचे न रहे। जनरली लोग पेड़ों के नीचे सह लेते हैं या पहाड़ी इलाकों में पत्थरों के नीचे सह लेते हैं, सबसे ज्यादा बिजली वहीं गिरती है तो इसी में लोगों को नुकसान हो जाता है, तो इससे आकाशीय बिजली से बचने के लिए खुले खेतों में, पेड़ों के नीचे, पहाड़ी इलाकों में चट्टानों का उपयोग न करने की सलाह इनको दी गई है। इसी के साथ साथ वर्षा ऋतु के समय बिजली गिरने के दौरान जमीन पर सपाट लेते से बचे, वो भी ठीक नहीं होता क्योंकि फिर आप अर्थिंग का काम करते हो, बिजली के लिए आप अर्थिंग का काम करते हो, और इसीलिए हमने इन सभी लोगों को कहा है, किसानों को, कि जब बिजली गिरने के समय वो तालाब में न रहे, झील के में न रहे उसके आसपास, या बिजली के संचालन करने वाली वस्तुओं से दूर रहने का भी सुझाव दिया गया है। जनरली लोग क्या करते हैं कि बिजली हो रही है, गाड़ी चला रहे हैं, फोन का, सेलफोन का प्रयोग करते, आजकल एक नई चीज आ रही जो पहले नहीं हुआ करती थी, सेलफोन का प्रयोग करते हैं, तो आप बिजली को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, तो आकाशीय बिजली को, तो इन सबसे बचे जिससे आप उसको अट्रैक्ट अपने तरफ न करें और नुकसान न पाए। और अगर आप कहीं फंस जाते हो तो जैसा हम लोग इंडियन इसमें स्क्वैटिंग करते हैं, शॉर्ट जाते तो स्क्वैटिंग करते हैं, तो वो स्क्वैटिंग मुद्रा में सर को दोनों घुटनों के नीचे डाल के अपने दोनों हाथ को सर के ऊपर रख ले और जितना ज्यादा स्क्वैट करके दोनों पैरों को की एड़ियों को आपस में छुआए वो आपको सुरक्षित रखेगा अगर आप कहीं ऐसे खुले में या ऐसी जगह फंस जाते हैं। वैसे प्रयास होना चाहिए कि आप अपने घर में सुरक्षित जगह पहुंच जाए। सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।